आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है किसी भी सब्सटेंस का वो कांस्टेंट रहता है अगर आप उसके स्टेट को चेंज करते हो, ठीक है। यानी कि स्टेट चेंज करते टाइम में जो भी टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हो, जो भी हीट प्रोवाइड करते हो, बेसिकली वो हीट जो है वो टेम्परेचर को रेज नहीं करता बल्कि उसके स्टेट को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आइए जरा डिस्कस करें। यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली आप बताओ कि किस तरीके से जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो किसी भी सब्सटेंस को या हीट कराते हो प्रोवाइड बेसिकली, तो उसका जो टेम्परेचर अब फर्दर नहीं बढ़ता बल्कि स्टेट बदल जाता है, ठीक है। तो आइए जरा इसको समझते हैं। देखो, बोला ये गया कि अगर आप कुछ आइस को के आइस के क्यूब को अगर बीकर में रखोगे और इनिशियली अगर उसका टेम्परेचर मेजर करोगे ना, तो वो टेम्परेचर निकल के आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप धीरे धीरे उसको हीट देना शुरू करो, ठीक है, एक कांस्टेंट हीट के सोर्स की मदद से धीरे धीरे हीट दो और आप उसका टेम्परेचर जो है हर एक मिनट पे नोट करने की कोशिश करो। साथ में आप लगातार जो है स्टीयर के थ्रू जो भी आपने आइस रखा है ना कंटेनर के अंदर, आप उसको चलाते रहो, राइट। अब अगर आप ऐसा करोगे और हर पॉइंट के बाद टेम्परेचर को नोट करने की कोशिश करोगे और उसके बेसिस पे आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे जो भी टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किया है समय के हिसाब से, तो आपको एक कर्व नज़र आएगा, ठीक है। अब आप क्या पाओगे कि वक्त के हिसाब से जो आइस था ना वो मेल्ट होके वाटर तो हो गया, यानी कि आइस का स्टेट जो है स्टेट वो चेंज जरूर हुआ, मगर टेम्परेचर वाले, लेट सपोज अगर यहाँ पे स्टेट है, मान लेते हैं जस्ट यहाँ पे टेम्परेचर है, तो आपको ना इधर स्टेट बदलता हुआ जरूर दिखेगा बट इस वाले ग्राफ पे यानी इस वाले एक्सिस पे आपको टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। यानी कि 0 डिग्री पे भी अगर आप चाहो तो आइस ऑब्टेन कर सकते हो और आइस से पिघलने के बाद 0 डिग्री पे आपको पानी भी मिल सकता है। तो जो भी आपने हीट दिया, अब आपके मन में चल रहा होगा उस हीट ने टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं किया, बिकॉज आपका दिया हुआ हीट फिलहाल जो है उसके स्टेट को बदल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप टेम्परेचर ना बढ़वा के बल्कि आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के स्टेट को बदल दो, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं इसको और डेप्थ में। अगर आप ग्राफ देखने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखने की कोशिश करो तो आप देखो ये ना ये जो है वो स्टेट की बात कर रहा है बेसिकली टाइम के हिसाब से। आप देखो कि कुछ वक्त बाद भी आओगे ये धीरे 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 मेल्ट होने लग गया, मगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। ये वाला पॉइंट नोटिस करो, इस वाले पॉइंट को नोटिस करो, ये तो जीरो ही है। एक वक्त के बाद आओगे तब भी ये जीरो रहेगा, कुछ वक्त बाद आओगे फिर भी जीरो रहेगा। तो ये जो सेक्शन है ना इतना, ठीक है, ये जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली टाइम के हिसाब से, कि यहाँ पे आइस जरूर मेल्ट हुआ, ठीक है, स्टेट जरूर बदला मगर इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि यार स्टेट जब बदल जाएगा उसके बाद भी अगर आप हीट सप्लाई करोगे फिर तो जरूर उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो अगर स्टेट बदलने के बाद अगर आप फिर भी हीट प्रोवाइड करा रहे हो तो फिर वो लिक्विड से ऊपर 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 वेपर की ओर जाएगा। अच्छा, फिर एक ऐसा स्टेज आएगा वेपर के बाद कि अगर आप वेपर में भी फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बल्कि अब मतलब उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो लिक्विड है ना, यहाँ तक तो बेसिकली लिक्विड है। अब इस लिक्विड को अगर और भी ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड जो है वो गर्म हो जाएगा बल्कि अब वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वो स्टेट बदला, तो आपके हीट लेकर अगर वो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा तो बेसिकली अपने वो स्टेट को बदल रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होगे। यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं कि बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो बेसिकली जब स्टेट में चेंज होता है तो चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, नॉर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ओके। अब बारी आ जाती है समझने की कि वेपराइजेशन क्या होता है, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। तो जो भी आपने हीट सप्लाई किया है, ठीक है, अब उसका इस्तेमाल हुआ है स्टेट को चेंज करने में, वाटर से लिक्विड, ठीक है, वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अच्छा, अब बात करते हैं कि द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है, लिक्विड से अगर वेपर में किसी के स्टेट को बदल देते हो आप तो उसको आप कहते हो वेपराइजेशन, ठीक है। इट इज़ नोटेड दैट द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, वेपराइजेशन के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, किसका, लिक्विड का भी और वेपर का भी। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर भी मिल सकता है, ठीक है, और आपको वाटर के वेपर्स भी मिल सकते हैं, स्टीम भी मिल सकता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भी वही बात है कि द लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस वक्त पे जैसे वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे उस वक्त पीछे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इस वक्त जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों थर्मली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड और वेपर जो है थर्मली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड के सब्सटेंस और वेपर के सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और दोनों का टेम्परेचर जो है वो कोएग्जिस्ट करे, तो ऐसे को आप कहते हो मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो सब्सटेंस मेल्ट होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर मेल्ट होता है, उसे आप कहते हो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा सारे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ आइस क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बॉइलिंग की। तो वही बॉइलिंग की जब बात की जाती है, तो जब लिक्विड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस को लेके राइज अप करता है, तो उसे आप बॉइलिंग कहते हो। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी। अब लास्ट डिस्कशन है सब्लिमेशन पे, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डायरेक्टली सब्सटेंस सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे को आप कहते हो सब्लिमेशन। यस, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में। एग्जाम्पल के तौर पर ड्राई आइस बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, ड्राई आइस जो होता है CO2 जो होता है, अगर उसका एक मतलब सॉलिड स्टेट देखोगे तो उसे ड्राई आइस कहा जाता है। आयोडीन होता है, नेफ्थलीन होता है, कैम्फर होता है, ये सब जो है सब्लिमेशन को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था।